तो भैया सीमा ने सही किया या गलत किया बताएं। मंदिर वगैरह हो गए उनके ऊपर जो है हमला वगैरह करेंगे, तो भाई हमने जो क्या किया है। गौतम दास ये क्या बना रहे तुम? नमस्कार एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो भाई स्वागत करता हूँ आपको आज के एक और नई वीडियो में। तो अभी दोस्तों इवनिंग का टाइम है, यहाँ पे छोटे छोटे बच्चे और मैं हूँ अभी गांव में। तो भाई आजकल आपने देखा होगा सोशल मीडिया पे हर जगह आपको सीमा सीमा ही दिखाई दे रही है। तो काफ़ी दोस्तों ने हमें जो है मैसेज किया, आप लोग जो है रहते हो सिंध रीजन में, सिंध प्रांत में, और आपका जो है सीमा के ऊपर जो है क्या रिएक्शन है हिंदुओं का पाकिस्तान में, ठीक है। तो भाई सीमा अपने प्यार के चक्कर में गई इंडिया, तो क्या भाई रिएक्शन होगा? आपने देखा होगा सोशल मीडिया पे जो हमारे यहाँ पे हिंदू माइनॉरिटी है उनको भी जो है फेस करना पड़ रहा है ये प्रॉब्लम। तो यहाँ के डाकू जो धाड़ेलन वो भी जो कह रहे हैं जो सीमा वापस ले आओ, नहीं तो हम यहाँ पे पाकिस्तान में जो हिंदू है माइनॉरिटी है तो इनके ऊपर जो जुल्म करेंगे, जैसे मंदिर वगैरह हो गए उनके ऊपर जो हमला वगैरह करेंगे। तो भाई हमने जो क्या किया है, गई है अपनी मर्ज़ी से गई है, तो क्या कर सकते हैं भाई इसके ऊपर? तो हम तो भाई इसके ऊपर ज़्यादा कुछ बात नहीं करेंगे। तो अभी इवनिंग का टाइम है और आप लोगों को कुछ नई चीज़ें आपको दिखाता हूं, तो बने रहना आज के इस वीडियो में। तो कुछ ज़्यादा नहीं बनाऊंगा वीडियो, छोटी सी वीडियो है ये, आप देख सकते हो इवनिंग का टाइम है और कुछ मनाजिर इधर। ये छोटा भाई काम में लगा हुआ है। छोटा तेरा नाम क्या है? गौतम। गौतम दास, गौतम दास ये क्या बना रहे तुम? लोहड़ी कट रहा। लोहड़ी इसको क्या करेगा तू? चोरा बनाऊंगा। उसमें यूज़ करेगा चोरे में? अच्छा तुम स्टडी करते हो? कौन से क्लास में? एट में। तो अभी वेकेशन चल रही है इस वजह से ये अभी इवनिंग का टाइम है भाई। ये छोटा जो ये बना रहे, ये अपने लिए बना रहे हो किसी के लिए बना रहे, दूसरे को बेचोगे भी? नहीं अपने लिए, अपने लिए। अच्छा ये कितने टाइम में बना लोगे ये नोड़ी? ये बस 10 मिनट में। 10 मिनट में? तो भाई ये 10 मिनट में भाई बना लेगा। और दिन में कितने बनाते हो ये? दिन में 10 बना लोगे। दिन 10 बना लोगे? देखा आपने गौतम अपने काम में लगा हुआ है स्टडी के साथ में, देखो भाई ये अपना काम भी करता है तो अच्छी बात है भाई। पुराने ज़माने अभी तो ये ज़्यादा काम नहीं करते हैं, आपको पहले भी मैंने दिखाया होगा ये नोड़ी चूर जो बनाते हैं चूर हम यूज़ करते हैं जैसे डोरी होते हैं उस टाइप से, ये पुराने ज़माने में काम चलता था जो कि अभी तक भी हमारे गाँव में यह काम जो है करते हैं चूरों के ऊपर जो लगाते हैं बड़े जो बड़े करते हैं, बट जो छोटे भी। ये आपने गौतम एक एग्जाम्पल है आपके सामने, ये बेचारा बना रहा है अपना काम कर रहा है, देखो तो अच्छी बात है। तो भाई इधर चल रहा है घर का काम, लगे पड़े हैं घर के काम में और ये जो है दीवार बना रहे, इसको हम सांपड़ी बोलते हैं, पहले भी आप शायद देखा होगा। तो भाई हम तो भाई अपना काम करते हैं, ये है हमारे गांव, देखो भाई आप इधर हमें इधर। तो भाई अमृत आपने सीमा के बारे में जाना है तो पता है? हम तो नहीं जानते, अपने काम में लगे हुए हैं, अपने काम में लगे हुए। तो भाई अमृत को भी नहीं पता है सीमा कौन है कहाँ गई, इधर हम टाटी देते हैं, हम तो ये सांपड़ी दे रहे हैं भाई। ये जो अपने काम कर रहे हैं कुछ नहीं नॉलेज, फिर भी जो है हमें यहाँ पे भड़काया जाता है कि आपको जो है ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, सांपड़ी तोड़ेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे जो है पशुपालन वो ज़्यादातर जो है बकरियों का करते हैं पशुपालन जो है, जैसे बकरियाँ जो है ज़्यादा यहाँ पे रखते हैं और गाय वगैरह कम है, बकरियाँ जो है वो ज़्यादा यहाँ पे रखते हैं। तो ये देख सकते हो आप यहाँ पे जो है सामने बकरियाँ वगैरह वो बांधी पड़ी है, और बकरियों के जो है दाम यहाँ पे अच्छे जाते हैं, बकरियों को जो है सेल करते हैं बेचते हैं तब। तो एक बकरी यहाँ पे लगभग ठीक है, छोटी बकरी उसका जो है कम है, बट जो है बड़ी बकरी है वो यहाँ पे 15,000 से 20,000 जो है यहाँ पे लेते हैं जो भी व्यापारी, जो अगर दूध वाली है तो फिर तो इसके दाम जो है बहुत ही अच्छे हैं। तो बकरियाँ यहाँ पे ज़्यादातर जो है बकरियाँ लोग अपनी बकरियाँ रखते हैं, फिर जो है बकरियों को बेचते हैं और दूध वगैरह के लिए जो है यहाँ पर बकरियाँ वो भी रखते हैं ठीक है। तो यहाँ पर बकरियों के लिए जो है अलग से ये बनाया जाता है, वाड़ा बोलते हैं बकरियों का, अलग ये वाड़ा बनाया गया है, और बारिश वगैरह जो है बारिश में जो है यहाँ पे अलग रखते हैं ये जो है किस तरह बना हुआ है इस टाइप से जो है बकरियाँ जो है वो अलग जो है रखते हैं। यहाँ पे बकरियों की जो प्राइस है वो अच्छी खासी मिल जाती है, जब छोटी बकरी होती है ना उसको 3-4 मंथ या 5 मंथ हो जाती है तो बेच देते हैं ठीक है, और कोई कोई जो है घर में जो है रख भी देते हैं, ये आप देख सकते हो।
घर में जो है ना सब्जी वगैरह बोई यहाँ पे जो है खेत से पहले जो है यहाँ पे घर की जो है सब्जी जो हम खाएं तो उस साइड वहाँ पे भी बोई हुई थी वो तो भाई बकरियाँ आ गई खा गई आज थोड़ी बहुत यहाँ पे जो है यहाँ पे भी बोई है ठीक है। आज इसको पानी दे रहे हैं इसके अंदर जो है पालक वगैरह दूसरी थी और ये एक दूसरा ये वेल देख सकते हो इसको हम जो तीन सी वेल थे ठीक है। यहाँ पे भी अभी इसको जो है इसके अंदर पालक है और भी चीज़ें हैं और यहाँ पे जो है ग्वार वगैरह दूसरा था वो तो भाई बकरियाँ आज खा गई थोड़ा बहुत उस साइड में बचा है तो इसलिए बोया है कि खेत से जो है पहले घर में यहाँ पे सब्ज़ी हो बट भाई जो है यहाँ पे बकरियाँ खा गई है कुछ नहीं बचा। तो भाई साहब यहाँ पे भाई जो है गधा लेके जा रहे हैं अपने काम से तो यहाँ पे आप लोगों को गांव में ज़्यादातर काम जो है गधे पे करते हैं जैसे भारी काम जो है उठाना करना लेके जा रहे हैं। तो भाई करते हैं इस वीडियो की यहीं पे एंड और ज़्यादा जो है वीडियो मैंने लंबी नहीं बनाई थी। अगर आपको जो है गाँव के आज सीन अच्छे लगे हैं तो लाइक करना और चैनल पर पहली बार उनसे निवेदन है चैनल को सब्सक्राइब करना। तो फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए सभी भाई को जय श्री राम और गुड बाय।